खबर आगरा जनपद से है, जहां 8वां अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव होने जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन हुआ। वहीं कार्यक्रम की तारीख 22-23-24 सितंबर 2023 स्थान आगरा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का वॉलीबॉल पार्क स्थित जुबली हॉल में होगा। आपको बता दें कि 7वां महोत्सव भी यही बड़ी शान के साथ हुआ था। नटरांजलि थिएटर आर्ट्स एनटीए आगरा की निदेशक अलका सिंह के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर आनंद टाइटलर है, प्रवक्ता हूँ आगरा यूनिवर्सिटी में। आज हम जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव मना रहे हैं, जो 22-23-24 से 3 दिन यहाँ लगातार चलेगा। 21 तारीख को यमुना आरती है। आज हमने पोस्टर विमोचन किया है इसी संदर्भ में। जिलों की बात नहीं करिए आप, इंडिया के अलावा विदेश के आदमी बच्चे भी इसमें आते हैं। इसमें लगभग 4-5 विदेश के बच्चे आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम आगरा में होते रहने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सांस्कृतिक हमारे देश की खत्म सी होती जा रही है, होती जा रही है। तो अलका मैडम जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बच्चों को उत्साह बदन बना रही है। देश विदेश के बच्चे कलाकार जब देते हैं आकर के प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगता है। तीन दिवसीय कार्यक्रम है। मैं सभी आगरा वासियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम आगरा जुबली हॉल में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के देखे और अपने बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं अलका जी को बहुत कुछ शुभकामना देना चाहूंगी, क्योंकि अलका जी का एक ऐसा नाम है आगरा में कि इन्होंने अपनी कला के साथ जो और लोगों को जोड़ा है। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। आपका पैशन है, लेकिन आपने काफी सारी गर्ल्स को महिलाओं को इतने से जोड़ा है और इन्होंने इतना अच्छा एक पटल दिया है कि आज देश ही नहीं विदेश में भी अलका सिंह जी ने जो अपने नेत्रांजलि को जो स्थान दिया है, ये बाकी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय बात है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। मैं चाहूंगी हमारे साथ तमाम सारी महिला जो लड़कियां हैं जुड़ी हुई है, युवा है, तो उस अपने जो कल्चर है उसको देश विदेश में ख्याति फैलाने के लिए बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा अपने आप में जो हुनर है वो दिखाने का मंच है। तो मैं सबसे अपील करूंगी यहाँ आके देखें और उनका साथ दें ताकि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, मैं मनीषा सिंह चौहान भाजपा से महानगर की टीम में हूँ, समाज सेवा भी करती हूँ और अलका जी मेरी बहुत खास मित्र हैं। मैम आज का कार्यक्रम के बारे में, नटरांजलि थिएटर एंड आर्ट्स का 8वां अंतर्राष्ट्रीय रंगारंग महोत्सव होने वाला है अगले 4 दिन में 21-22-23 उसका आज ये पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, उसी में हम लोग सब शामिल हुए हैं। मैम इस तरीके का कार्यक्रम होते आ रहे हैं, तो इस कार्यक्रमों से आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके की संस्कृति से मतलब मैसेज आता है? युवा पीढ़ी को ये मैसेज आता है कि आप जो है अपने कला को, अपनी संस्कृति को और अपने कल्चर को, देश के कल्चर को याद रखें, उसे बढ़ाने का प्रयास करें, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ प्रभावित ना होके अपने देश के कल्चर को फॉलो करें और उसे सीखें। बहुत सारी तरह की विधाएं जो हैं संगीत में, नृत्य में, उन्हें आप सीखें और उन्हें आगे तक, भविष्य तक ले जाएं। अलका सिंह मेरा नाम है और नटराजी थिएटर्स के डायरेक्टर और संयोजक अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव की। ये हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का आयोजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कैंपस में गोल्डन जुबली हॉल जो कि ऑडिटोरियम है, यहाँ पर हमारा 22-23-24 में आयोजित है, 22-23-24 सितंबर, और दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनका प्रदर्शन करेंगे देश और विदेश से आए हुए कलाकार। पिछले 7 वर्षों में हमारे इस मंच पर, नटरांजलि थिएटर आर्ट्स के मंच पर, इस महोत्सव के मंच पर सर्बिया, श्रीलंका, मलेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र के कलाकार आ चुके हैं, तो उसी श्रृंखला में इस बार भी कलाकार आ रहे हैं और सभी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए पूरे शहर से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग आइए, सपरिवार आइए। इतना अद्भुत, मतलब भारतीय संस्कृति को समर्पित, और जो लोग बाहर से भी आने वाले कलाकार हैं, भी अपने अपने देशों की जो लोक संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं, और सभी अपने बच्चों के साथ आए, ज्यादा से ज्यादा आए और कार्यक्रम को देखें।